आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। तो मेरे सभी बुजुर्गों और किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो चौहान साहब, जैसे आजकल ट्रेंडिंग में आया हुआ है, हर जगह लोग कह रहे हैं ए टू मिल्क कि इंडिया की जो नस्लें हैं, जितनी भी नस्लें हैं, साहिवाल, गंगातीरी, थारपारकर या गिर, ये सब ए टू मिल्क देती हैं। तो ये क्या है, ए टू क्या है, इसके बारे में आप किसानों को जरा बताएंगे? त्यागी जी, किसानों से ज्यादा इस चीज को शहर के लोगों को बताना जरूरी है जी, क्योंकि किसान के लिए A1 और A2 मायने नहीं रखता जी। जी, किसान के लिए तो देसी गाय और विदेशी गाय मायने रखती है कि देसी कम दूध देती है, विदेशी ज्यादा दूध देती है। विदेशी महंगी आती है, देसी सस्ती आती है जी। शहर के लोगों ने और मीडिया ने दूध की मार्केटिंग इस तरह से कर दी है कि A2 दूध जो है ज्यादा अच्छा है, इससे कैंसर भी क्योर होता है, इससे कैंसर नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान का 100% दूध जी दोनों A1 और A2 है। A2 कुछ नहीं है, बस बीटा कैरोटीन नाम से एक प्रोटीन है जी, जो कि हमारी देसी नस्ल में पाया जाता है जी। जी, जी। भारत सरकार ने 100% विदेशी नस्ल को कभी इंडिया में ब्रीडिंग होने ही नहीं दी जी। तो जो इंसेमिनेशन यहाँ पे विदेशी ब्रीड से, HF ब्रीड से देसी गायों को कराया गया, उससे जो हमारी आज की जो हिंदुस्तान में HF जो जो HF क्रॉस नस्ल है, HF प्योर नहीं है, यहाँ पे HF क्रॉस नस्ल है जी। बहुत ज्यादा इतना होगा कि ओवर द जनरेशंस वो HF की जो जीन है वो बहुत ज्यादा होगी, होगी 90 डिग्री तक पहुंच गई होगी, बट 10% उसमें भी हमारी देसी नस्ल ही होगी, चाहे वो थरपारकर हो, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे वो कोई सी भी हो जी। तो हिंदुस्तान में पाया जाने वाला हर तरह का दूध दोनों A1 और A2 है। और भैंस के बारे में बता दूं, भैंस का दूध नेचुरली A1 और A2 है। अच्छा। इस चीज को आप किसी भी गवर्नमेंट की लेबोरेटरी से आप प्रूव करवा लीजिए, आपको वो किसी भी गाय का दूध कहीं से भी ले लीजिए आप हिंदुस्तान में से, आपको वो A1 A2 का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, इसमें A2 जीन है। तो आपने जैसे ये देसी गाय का फार्म किया है, तो क्या आपने HF भी रखे हुए हैं? हाँ जी, HF भी है, पर हमारे यहाँ HF तो क्रॉस है, हिंदुस्तान में HF क्रॉस है। हाँ। अब उसको देसी भी बोल सकते हैं, तो उसे देसी बोल सकते हैं, उसे देसी बोल सकते हैं, HF क्रॉस भी बोल सकते हैं। देसी जो प्योर देसी होगी वो देसी का क्रॉस देसी से होगा, साहिवाल है तो साहिवाल ब्रीड है, मगर आपको प्योर साहिवाल भी नहीं मिलेगी कहीं पे, आपको प्योर गिर भी नहीं मिलेगी कहीं पे, क्योंकि जो हमारे यहाँ से इतनी बारीक जानकारी आपने दी जी, क्योंकि ये जानकारी अभी नहीं है लोगों के पास जी। जी, तो जैसे आपने ये फार्म खोला है, तो इस फार्म में आप केवल दूध का उत्पादन ही करेंगे या कुछ और इसमें सुधार लाएंगे, या जैसे कोई नया फार्मर ये डेयरी फार्म खोलना चाहता है उसकी सहायता करेंगे या ट्रेनिंग देंगे, कि आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका? त्यागी जी, डेयरी तो इस फार्म हाउस का एक बाय प्रोडक्ट है जी। जी, अब आप भी हैरान होंगे कि भी डेयरी है मगर इसका दूध इसका बाय प्रोडक्ट कैसे है जी। जी, देखिए, ये एक ट्रेनिंग सेंटर भी है जी, यहाँ हम आसपास के क्षेत्र के किसानों को बुलाते भी हैं जी, उन्हें जानकारी देते हैं जी, कि किस तरह से अपनी गायों की AI करवाएं, अच्छे सेंटर कहाँ पे हैं, बीमार होने पे क्या करें जी, गायों के बीमार होने पे क्या करें। ज़्यादातर क्या करते हैं, किसान की गाय थोड़ी सी भी बीमार हुई, उन्होंने एक पैरावेट बुला लिया और पैरावेट के पास गिनती की 4 दवाइयाँ होती हैं, वो किसी भी बीमारी चाहे कोई भी दवाइयाँ लगानी चाह रही हैं, वो चार ही लगानी है। किसानों को यही नहीं पता कि यहाँ से कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक लेबोरेटरी है, वहां पे 200 रुपए दे के एक पूरी रिपोर्ट मिल जाती है कि तुम्हारी गाय को, भैंस को हुआ क्या है जी, और उसको एग्जैक्टली सॉल्ट कौन सा देना है जी। जो गाय एक दिन में ठीक हो सकती है, यहाँ वो गाय मर जाती है। बिल्कुल, गायों को भैंसों को इंश्योरेंस कोई कराने को तैयार नहीं है। हाँ, यहाँ ये भी है, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अब मिसकंसेप्शन है किसानों का, और किसानों का ही नहीं बाकी सब लोगों का भी, कि भाई पशुओं का तो इंश्योरेंस होता नहीं है, और होता भी तो बड़ा महंगा होता है। हाँ, बड़ा महंगा होता है, और अगर करा लिया भी और कुछ हो गया तो फिर पैसा नहीं मिलता है, बस गारंटेड पैसा मिलता है, तो टैग नहीं मिल रहे, ये भ्रांतियां हैं कि जो टैग उसके कान में लगा हुआ है, जब मान लिया एक्सपायर हो गया हमारा पशु तो वो टैग नहीं मिला, बोले ये टैग तो तुम्हारे नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा कहते हैं लोग, क्या ये सच है?
सरकार की बहुत ज्यादा सख्ती है इस बात पे कि अगर किसान का इंश्योरेंस हुआ हुआ है गाय का और पैसे नहीं मिले तो इंश्योरेंस कंपनी पूरी तरह से उस पर सवाल कर सकती है सरकार की, क्यों नहीं दिए गए पैसे इंश्योरेंस कंपनी पर जी। और मैंने तो ये नहीं सुना है कि अगर इनकी किसी का क्लेम ठीक हो और उसे पैसा ना मिला हो। सरकार की तो ये भी स्कीम है साहब कि 40,000 रुपए का गाय का इंश्योरेंस होता है, 900 रुपए का, उसमें से 750 रुपए सरकार देगी। 900 रुपए का जो होता है हाँ, उसमें से 750 सरकार देगी। सरकार देगी आपको, खाली अजीब से 150-200 रुपए जमा कराने हैं, 200 रुपए जमा कराने हैं। वो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी सब्सिडाइज्ड है बिल्कुल, मगर वो भी कराने को तैयार नहीं है। पिछली अभी उत्तर प्रदेश में इंश्योरेंस अभी खुले थे जी। पहले बंद चल रहे थे, अभी खुले हैं। जैसे ही खुले, हमने अपने गांव के और आसपास के गांव के लोगों को यहां बुलाया अपने फार्म पे, उन्हें शिक्षित किया, डॉक्टर को बुलाया ब्लॉक से हमने और उन्हें इंश्योरेंस के बारे में सब बताया। हमने बहुत इंश्योरेंस करवाए गायों के। एक किसान जब गाय 20-25-30,000 रुपए की लेके आता है और किसी बीमारी में अगर वो मर जाती है तो आप ये समझिए किसान ने अपनी एक साल की जमा पूंजी खो दी। पूरी जो उसने इनकम होनी छोड़ी है साहब, जो पैसे देके लेके आया था वो भी एंड हो गए। जो उसने अपनी फसल से बेचारे ने कमाए होंगे 30,000 रुपए, 30,000 की वो गाय ले आएगी, दूध बेचूंगा इसका मैं, अब वो गाय उसकी मर गई। तो सर आप जैसे इलाके के लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो ये तो आपके एरिया के लोगों की बात है जी। दूसरा क्या है, अगर कोई बाहर से ट्रेनिंग के लिए आना चाहे जी, और उसके बारे में आपने क्या सोचा है कि आप ऐसे बैच के तरह से ट्रेनिंग दें यहाँ कि 10-20 लोग का बैच हो गया, उसे हफ्ते 10 दिन जो भी टाइमिंग हो, इस टाइप का भी कुछ सोचा है आपने? देखिए मैंने डेयरी शुरू करने से पहले खुद कई फार्म पे जाके ट्रेनिंग ली थी जी। मेरे एक नज़दीकी जानने वाले हैं, पास में ही है उनका डेयरी फार्म, अच्छा बड़ा डेयरी फार्म है, वहाँ तो मैंने जाके 3 दिन उनसे बोला था कि आप अपने घर बैठिए, 3 दिन डेयरी मैं संभालूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ताकि मुझे मालूम चले कि हाँ दिक्कत क्या की दिक्कतें क्या आती हैं। सही सही बिल्कुल, जिस आदमी को गोबर में हाथ डालने से डर लगता हो उसको डेयरी नहीं करनी चाहिए। और हमारे दरवाजे खुले हैं, जो जैसे आना चाहे, जो सीखना चाहे, हम सिखाते भी हैं, आते भी हैं लोग। अच्छा, आते भी हैं लोग। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक शेड्यूल सिस्टम हो ट्रेनिंग का, कि माना भाई इतने तारीख से शुरू हो रहा, तो बैच, अब ये तो है नहीं कि एक आदमी आएगा, एक आदमी को ट्रेनिंग दोगे। देखिए डेयरी सेक्टर में कोई क्लासरूम ट्रेनिंग काम नहीं करती, क्लासरूम ट्रेनिंग तो नहीं काम करती, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही काम करती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी कम से कम 10 लोग इकट्ठे हों, जिससे कि आप 6 दिन तक उन्हें ट्रेंड करें। देखिए आजकल की युवा जनरेशन डेयरी सेक्टर के प्रति काफी जागरूक भी हो रही है और उनको काफी शौक भी है करने का। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे को कई लोगों ने अप्रोच भी किया है और आके मेरे से काम सीखे भी गए हैं, जैसे मैंने कहीं और जाके काम सीखा था जी। तो आपका अच्छा सुझाव है जी। अगर ऐसे इच्छुक होते हैं लोग जो कि काम सीखना चाहते हैं तो हाँ मैं जरूर बैच वाइज बना के, हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास कॉल आती है जी जरूर, तो वो फिर एक डेट फिक्स करके कि इतने तारीख तक एक बैच स्टार्ट होने वाला है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। एक अवेयरनेस सेशन कर लेंगे हम अपने फार्म में, कर लेंगे एक अवेयरनेस सेशन करके कि जो प्रोग्राम है उसमें ये मॉड्यूल होंगे, ये आप सीख सकते हैं, ये आपका क्लासरूम का हो जाएगा मटेरियल, ये आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो सब डेफिनेटली करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से अगर ऐसा हो सकता है, जागरूकता बढ़ सकती है तो बहुत अच्छी बात है। बस यही था। तो क्या आप उसकी फीस वगैरह क्या लेंगे, क्योंकि देखो बाहर से आदमी आएगा, फीस तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसे रखना भी है, रहने का, खाने का, ये तो है नहीं कि आप ट्रेनिंग की चले गए आगे, ये वाला काम तो नहीं। अगर फिर क्या होता है कि एक बार आदमी आया सुबह से शाम तक ट्रेनिंग की और फिर घर चले गए तो माइंड फिर डाइवर्ट हो जाता है, फिर वो बात नहीं रहती। और यहाँ ये नहीं है कि दिन दिन में ही परेशानी आएगी, हाँ तो रात को भी परेशानी आएगी, तो इसलिए जो ट्रेनिंग करने लोग आएंगे उन्हें हमें यहीं पर रखना पड़ेगा, खाना पीना रहना उनका। देखिए साहब, तो उसके हिसाब से उनसे फीस भी लेनी पड़ेगी। मैंने करीब 1.5 से 2 साल देश विदेश में कई डेयरी में जाके मैंने ट्रेनिंग ली, फॉर्मल इनफॉर्मल, किसी सज्जन ने मेरे से फीस नहीं ली। अच्छा अच्छा, तो मैं किसी से फीस नहीं ले सकता। भाई वाह, ये आपकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी। देखो क्या होता है कि एक वो होता है कि आदमी सोचता है ट्रेनिंग, यहाँ ट्रेनिंग आ गया, अब वो पुराना टाइम तो नहीं रहा कि ये गुरुकुल वाला सिस्टम तो है नहीं कि सोचे गुरुजी हैं, गुरुजी के यहाँ जाना है, वहां पढ़ना है, भिक्षा करनी है, उनका भी गुजारा चलाना, अपना भी। तो इसलिए एक सवाल उठ जाता है कि भाई ट्रेनिंग का नाम आता है कि फीस होगी। डेयरी क्वेश्चन मैंने किया ही इसलिए, डेयरी की ट्रेनिंग गुरुकुल की तरह ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
सुबह उठना है आपको 3:30-4 बजे, आपको काम में लगना है, गौ सेवा भी करनी है, बिल्कुल, दिन में सोना है, शाम को फिर काम में लगना है। तो उसके लिए आप कोई किसी से कोई चार्ज नहीं लेंगे। अच्छा, तो चौहान साहब मुझे एक सवाल और उठता है कि ये जो मिल्क है या जो भी आप तैयार कर रहे हैं, इसकी सेल के लिए आपने क्या सिस्टम बनाया है, और आगे आने वाले टाइम में अगर बहुत ज्यादा लोग इस काम को करने लगे तो उस सिस्टम को हम कैसे फॉलो करें, और फार्म से घर तक या रसोई तक दूध पहुंचाने का क्या रास्ता सोचा है? क्योंकि बीच में क्या हो रहा है कि जो बीच वाले लोग हैं, आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपने कहा मुझे फीस नहीं लेनी, तो मैं उसी से समझ गया कि आपका दिल और दिमाग कितना साफ शुद्ध है, तो आपका दूध भी उसी तरीके शुद्ध होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अगर आप किसी भी चोलियों को या दूधियों को दूध देते हैं तो वो मिलावट करेगा, तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो आपने कुछ ऐसा तैयार किया है कि जिससे कि सीधा कस्टमर को उसकी रसोई में दूध पहुंचे और वो प्योर पहुंचे? ये आपने जो सवाल किया है ये एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है जी, तो मैं इसका जवाब भी थोड़ा ब्रॉडली देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आप डेयरी का उद्योग शुरू करते हैं जी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ मेरठ में किया है, तो ये जो 10-15 बीघे का जो एरिया है ये आसपास के कई किलोमीटर के एरिया को केटर कर रहा है जी। आप इस क्षेत्र का उद्धार भी कर रहे हैं जी। क्योंकि अकेला मैं नहीं कर रहा हूँ ये जी, जी। कम से कम 50 परिवार तो जुड़े हुए हैं इस डेयरी उद्योग के साथ, तो उनके घर चल रहे हैं जी। पहली चीज जैसा कि मैंने कहा, दूध आने वाले समय में अगर कोई इसको ठीक से करे तो दूध खाली एक बाय प्रोडक्ट हो, यहां से इतना काम निकल सकता है। कंप्रेस्ड बायोगैस, हम कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट लगाने जा रहे हैं जी। ये कंप्रेस्ड बायोगैस फ्यूल स्टेशन पे सप्लाई होगी। अच्छा। ये कंप्रेस्ड बायोगैस सरकार हमसे खरीदेगी 48 रुपए किलो के हिसाब से जी। और जैसे गाड़ियों में सीएनजी चलती है, धीरे धीरे सीएनजी कम होके ये सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस गाड़ियों में भरी जाएगी, ये सीबीजी चलेगी। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे लोकली प्लांट्स लगेंगे जी, जी। सरकार शायद इस चीज को सब्सिडाइज भी करेगी आने वाले टाइम में, अगर किया तो। मगर जितना यहाँ पे गोबर है, उस गोबर से जो कंप्रेस्ड बायोगैस निकलेगी वो मैं समझता हूँ कि आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस के व्हीकल्स को चलाने के लिए काफी है। मतलब खाली मेरे पास इतनी होगी, आपके पास इतनी, मेरे पास इतनी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात। आप सोचिए जो कि हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जाने कहाँ पे रिफाइन होती है, वहां से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आके ये पेट्रोल पंप्स में सीएनजी स्टेशन्स में जाके रिफिल होती है जी। ये आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। अगर यहाँ पे जो बड़े फार्म्स हैं अगर वो ये सब करना शुरू कर दें तो हम कितना आत्मनिर्भर हो जाएंगे फ्यूल पे। फ्यूल पे जो जो यहाँ से पानी निकलता है डेयरी से, हमारी जो जो रेजिड्यू वाटर है उससे हम अपने ही खेत सींचते हैं। हमारे खेतों में पानी यही जा रहा है, यही पानी जा रहा है हमारे जो चारों तरफ हमारे खेत हैं, यही पानी जा रहा है हमारे खेतों में। पानी में गोवर्क, उस पानी में गोवर्क है, गोमूत्र है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जहां किसान 60-70 क्विंटल गन्ना एक बीघे में उगा के खुश है, हमारे खेतों में 150 क्विंटल गन्ना एक बीघे में उगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और 150 क्विंटल गन्ना एक बीघे में, मतलब किसान मतलब सोच भी नहीं सकता। अब जैसे आपने इससे दूध की जहां तक बात करी आपने, दूध फार्म टू फैमिली पहुंचना चाहिए। फार्म टू फैमिली दूध पहुंचना चाहिए। फार्म टू फैमिली का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि दूध सप्लाई होता है बड़ी कंपनियों में, जैसे कि जो बड़े बड़े फेडरेशन हो गए। दूध यहाँ सप्लाई होता है, इस दूध का SMP बनता है, SMP बन के स्टोर होता है, जिस एरिया में जितने दूध की जरूरत होती है उस हिसाब से उस SMP में दोबारा पानी मिला के उससे दूध बना के सप्लाई कर दिया जाता है जी। वो दूध नहीं है, वो पानी है। ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि हम फुल क्रीम दूध पी रहे हैं, हम टोन दूध पी रहे हैं, कुछ नहीं, पाउडर है, पाउडर ज्यादा मिला दिया, पाउडर कम मिला दिया, बस वही है जी। मगर धीरे धीरे जैसे कि लोग जागरूक हो रहे हैं डेयरी सेक्टर में, तो डेयरी फार्म अब पनप रहे हैं। फार्म टू फैमिली पहुंचना बहुत जरूरी है दूध, क्योंकि तभी आप असली दूध पी सकते हैं जी। जो हमारा प्लान है या जो मैं करना चाहता हूं नियर फ्यूचर में,
और ये गुजरात का बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है जो कि गुजरात में बड़ी अच्छी तरीके से किया गया, वो यहाँ भी होना चाहिए। जितने हमारे क्षेत्र के आसपास के गांव हैं, वहाँ के किसान हैं जिनके पास गाय और भैंसे हैं, हमें एक कोऑपरेटिव बनाना चाहिए जिसमें कि हर किसान उस कोऑपरेटिव में मालिक है। बिल्कुल। वो दूध फिर हम कोऑपरेटिव के हिसाब से हम शहर में मार्केट करेंगे। आज की रेट में जो दूध, जिस दूध से किसान को 24 रुपये 25 रुपये पर लीटर मिल रहा है, जिससे जिसमें कि उसकी आपूर्ति भी नहीं हो पाती गाय भैंस की, हाँ, वो खर्चा भी नहीं निकल पाता, वो मतलब यानी कि 24 नहीं 23 रुपए 24 रुपए 25 रुपए, यहाँ बात करो 20 रुपए भी है जी। अच्छा, जब तक किसान को उस दूध के 45 रुपए नहीं मिलेंगे, उसको प्रॉफिट नहीं कर सकता। और वो तभी मिल सकते हैं कि जब आपका अपना कोऑपरेटिव हो और दूध का प्राइस आप कमांड कर रहे हो। दूध का प्राइस आज की रेट में गवर्नमेंट कमांड नहीं करती, जो कंपनी है इंडिया में, जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है, ये लोग कमांड करते हैं, ये करते हैं कमांड, यही दूध का रेट निकालते हैं। जब हम एक कंपनी बन के उभरेंगे, जब हम एक कंपनी बन के उभरेंगे, जब हम एक दाम पे वो दूध बेचेंगे और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन किसानों में, तभी तो वहां पे पैसा आएगा, तभी तो उनको मालूम चलेगा कि हाँ इस चीज में पैसा है। बिल्कुल, ये तो आपका दूध की प्लानिंग होगी। अब जैसे आपने कहा कि हम गोबर से गैस बनाएंगे और गैस निकलने के बाद जो वेस्टेज होगी उसका हम क्या करेंगे? वो तो खाद है, वो तो रेडीमेड खाद है। नहीं, जैसे कि क्या होता है कि ये जैसे खाद निकला तो वो एक से मतलब एक साल करीब पड़ा रहना चाहिए। नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है जी। जो आप CBG प्लांट से आप बायोगैस लेते हैं, बायोगैस लेने के बाद जो स्लरी बनती है वो स्लरी रेडीमेड वेस्ट है, रेडीमेड खाद है, तुरंत वो आप उस खाद को चाहो तो आप स्टोर कर लो, चाहो तो इमीडिएटली आप खेतों में छोड़ दो, खेतों में डाल सकते हैं जी, और सारे साल डाल सकते हैं उसको। मतलब वो हीट या ऐसा नहीं जैसे कच्चा गोबर डाला है तो उसके बाद में दीमक का प्रकोप हो गया, दीमक का खाना आ गया, नहीं नहीं तो ये नहीं होता उसमें, नहीं होता उसमें, वो सैलरी निकलेगी उसमें। तो जब गोबर जाएगी, वेस्ट जाएगा प्लांट में आपके, तो उसमें उसका ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट होने के बाद जो उसमें स्लरी निकलती है वो रेडीमेड खाद है। जो एजिंग आप एक साल तक करते हैं जी, जो गोबर की एजिंग आप एक साल तक करते हैं सुखा के उसको ताकि वो खाद बन जाए जी, जी। वो एजिंग उसकी 2 दिन में हो जाती है, 2 दिन में हो जाती है जी। तो चौहान साहब, ये जानकारी आपने किसान भाइयों को दी बहुत बारीकी से, तो आप थोड़ा ये भी बताएंगे कि लोग अपने पशुओं को वैक्सीनेशन या डिवॉर्मिंग कैसे करें और क्यों जरूरी है, और इसमें जैसे मान लिया हमारे किसान भाई तो कोई ध्यान नहीं देता। देखिए, किसान ध्यान नहीं देता है, इसके पीछे भी एक वजह है कि अब तक ये सभी चीज़ें थोड़ी कॉस्टली होती थी जी। गाँव में लोग अपने बच्चों की डिवर्मिंग नहीं कराते तो गाय भैंस की क्यों कराएंगे। बट जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे कि आपका आपका चैनल हो गया, हमारे पास भी लोग आते हैं, हम खुद भी गाँव में जाते हैं, हम खुद भी बताते हैं कि हाँ आप डिवर्मिंग कराइए, ज़्यादा कुछ नहीं, 10 रुपये में लग जा हो जाती है, हर 3 महीने में होनी चाहिए, आप कितने भी अच्छा खिला लें, कितना भी कुछ भी कर लें, आप अगर डिवर्मिंग नहीं करा रहे हैं तो आपके पशु का स्वास्थ्य गिरेगा ही गिरेगा। बच्चे होते हैं, गाय के बच्चे, भैंस के बच्चे, इनकी भी डिवर्मिंग होनी ज़रूरी है, हर 3-3 महीने में होनी ज़रूरी है, तो पूरा कोर्स है, चलना ही चाहिए। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि न्यार तो हम कर देते हैं, न्यार बोलते हैं जो भूसे को और हरे चारे को हम मिला के दे देते हैं, कि भाई न्यार कर दिया, उसमें थोड़ा सा हमने कुछ अनाज डाल दिया तो आसानी हो गई, ठीक है चलो, वो आदमी हर हिसाब से अपने हिसाब से खिलाता है, कितना खिलाना है, हम वाइटामिन्स और मिनरल्स तो दे ही नहीं रहे। किसानों को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपको मल्टी वाइटामिन भी देना चाहिए, पशु को मल्टी वाइटामिन भी देना चाहिए, जिसका जिसका की खर्चा 5 रुपए दिन का आता है। अच्छा, ये 5 रुपए दिन का खर्चा, इससे आपकी गाय प्रेग्नेंट भी टाइम से होगी तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा, दूध भी अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि किसानों को मालूम, किसान को ध्यान रखें, ध्यान रखना चाहिए। तो चौहान साहब, ये सब जानकारी देने के लिए किसान भाइयों की तरफ से और रवि जॉन फार्मिंग लीडर की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कोई अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप सभी का
ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से। बातें किसान की, बातें किसान की, अपनी ही।